हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैंने सोचा फाइनली व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आज हमारा है प्रोग्राम और हम यहाँ पर सांस्कृतिक विद्यालय है ना, सांस्कृतिक विद्यालय में आए हैं आज। हमारा मतलब 4 डे से हमारी वर्कशॉप चल रही थी, आज हमारा 5th डे है, तो फिर आज के दिन हमारा प्रोग्राम होना था। तो मैंने सोचा था पहले भी कि मैं वर्कशॉप वाले दिन भी, कितना पसीना आ रहा मुझे, कि वर्कशॉप वाले दिन भी मैं करते व्लॉग बनाऊंगी, बट फिर मेरा मन नहीं हुआ क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होता और हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट है प्रैक्टिस 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 करके। तो फिर आज मौका मिला है तो फिर मैंने बोला चलो बनाते हैं व्लॉग। हमारा बैक साइड है स्टेज का और ये रहा हमारा, ये सुहाना आ गई है और ये हमारा फ्रंट साइज है, मैं दिखा रही हूँ व्लॉग में। आप व्लॉग बना रहे हो? हाँ, अभी तो स्टार्ट किया। ओके, हाँ बीच में से जा कैमरे के। और ये हमारा स्टेज और यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर सब ऑडियंस बैठे रहेंगे। और ये रही हमारे प्रोग्राम के पार्टनर्स। हेलो एवरीवन, अभी ये लोग ऑडियंस बन रखे हैं और अभी आप गौर से देखिए कैसे भूत लग रहे हैं हम सबके साथ। अभी देखना, बिना थोड़ी देर में हम हीरोइन बन के आ जाएंगे। और हमारे इन, हाँ आजा आजा बीच में आजा, बिल्कुल मुंह पे। हाँ जा, ये कूद रही है, सुसाइड। अरे तो बच गई। और यहाँ से ये दो नारियां आ रही हैं और ये देखिए हम दोनों फ्रेंड है। नहीं, बेइज्जती यहाँ की तो बदमाश बच्ची। और ये दोनों यहाँ की, ओ माय गॉड, सॉरी भगवान जी, सबसे शैतान लड़कियाँ है ये दोनों। हम खुराफाती है लेकिन दोस्त नहीं है। वही तो दोस्त नहीं। अभी यहाँ पर हमारी बातचीत चल रही है, ये हमारे गुरुजी है। गुरुजी हाय बोल दीजिए, मेरा व्लॉग चैनल है। आपने देखा मैंने वाला व्लॉग डाला था जब हम राजभवन गए थे? नहीं, मैंने आपको शायद शेयर नहीं किया था वो। तुमने उस दिन का भी नहीं भेजा मुझे व्हाट्सएप स्टेटस, फोटो भेज दी थी मैंने आपको उस दिन। उस दिन का फोटो भेज दिया था मगर कुछ और फोटो थे मतलब। हाँ, मैंने शायद हमारी नहीं भेजी थी जो हम लोग खींच रहे थे। हाँ, वो मैं भेज दूंगी। ठीक है, मैं आपको ये वीडियो भी शेयर कर दूंगी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब पे? हाँ, अनुष्का टमटा करके डांस की वीडियोस भी डालती हूँ, पर कभी कभार, आजकल कोई शूट करने के लिए नहीं है। और ये सबसे शैतान लड़की है मम्मी का तारीफ किया मैंने। बेटा तू भूल गई अक्षर का कैसे एडिट करके डाला था? तेरी बारी है। मत कर जा। माय गॉड, एटीट्यूड। मैम हैप्पी टीचर्स डे, आज टीचर्स डे है, मैम को विश मैम हैप्पी टीचर्स डे विश किया। और अभी मैम मेरे लिए कड़े लेके आई है क्योंकि मैं, हमको पता नहीं था कि हमारा जो कॉस्ट्यूम है और उसका ब्लाउज हाफ स्लीव होगा, तो फिर मैंने मैम को कॉल करके कड़े मंगाए और अब मैं वो पहनूंगी। तो गाइस, अभी अनुष्का दीदी भाग दौड़ करके कैसे भी करके ड्रीम रूम में जा रही है हमारे फीमेल वाला। सो गाइस, गुरुजी आ गए हैं तो अभी हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। लोगों की प्रैक्टिस चल रही है। एक वही कप, अब हम यहाँ पर ग्रीन रूम में चेंज कर रहे हैं। मैम बोल रही है, मैम ने बोला कि करना है। मेरे
तो गाइस यहाँ देखो ये लोग अभी प्रिया दीदी थोड़ा चेंज कर रही है इनको और इनको देखो जरा तैयार हुए नहीं कि नॉटिंग ही शुरू की। इसकी गर्दन सीधी नहीं होती लटकते ही रहती घूमने में इसकी ऐसे होती है सब रेडी हो गए हैं मतलब सिर्फ कॉस्ट्यूम पहना है बाकी मेकअप वगैरह में हम टाइम लगाएंगे मतलब शाम को प्रोग्राम है हमारा अभी हम सिर्फ कॉस्ट्यूम पहन के गए हैं मैं अपनी कॉस्ट्यूम दिखाती हूँ हमारी कॉस्ट्यूम ये है हम सीनियर्स की और जूनियर्स की ये है अंगरखा। सो अभी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है और हम बहुत गड़बड़ कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिर्फ 4 डेज में ये सब रेडी हुआ है उसमें भी फिर एंड टाइम पे चेंज होते जा रहा है वैसे भी ये वर्कशॉप थी तो कुछ ऐसा नहीं होता बट हमको अपना बेस्ट देना है बाकी अभी ये सब लोग अपने उसमें लगे हुए हैं यहाँ पर ये लड़की अपना ब्लाउज टाइट कर रही है एकदम से ये ड्रेस हमें अभी अभी मिली और हमें अभी अभी सब अरेंज करना पड़ रहा है ये मैडम फोन में लगी हुई है हमेशा फोन में ही लगे रहती है और ये बच्चे भी फोन में लगे हैं और ये सब फोन में ही लगे हैं ओ बाबरे तेरी शक्ल अभी ये नहीं करती है सो अभी हम आ चुके हैं जरा मैं मैम के संग गई थी अभी हम सब आ चुके हैं अभी हम तैयारी कर रहे हैं बहुत बेकार हो रही है ये रहे कि क्या बताऊं मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकती हम घर पहुंच चुके हैं और दीदी लोग अभी खाना खा रहे हैं दीदी खा रही है मम्मा ने खा चुका है रसगुल्ला रसगुल्ला गुल्ला गुल्ला मिक्स 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 कितना अच्छा लग रहा है तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है ओ नाइस ऐसे बनने लग गए हैं देखो हाँ मैम आ गई अब डांट खाएंगे ये देखो इसकी नाक की नोजी जल्दी कर हम डांट खाएंगे ये पहन चुका है अपना लहंगा और अपने आप को शीशे में देख रही है मैंने मुंह धो लिया है अब हम चलते बाहर को और देखते हैं उसका दीदी क्या उसका दीदी मेकअप पे लगी है एकदम स्टेबल रखना पड़ता है कैमरा ओके तो यहाँ दीदी प्रेस कर रही है मम्मी यहाँ मेकअप और मैं मेरा भी हो चुका है यहाँ पे पूरा रेडी हो गई बस मुझे थोड़ा सा टचअप करना है वो मैं बात नहीं करती सो अभी हमने थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लिया बाकी अभी हम रोज वगैरह वहीं पर ही लगाएंगे मैंने पहली बार ऐसी आंखें बनाई हैं ऐसी ये मतलब ऐसे वो करके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वहां पर हमको कुछ खाने के लिए भी यम्मी यम्मी चीजें मिलेंगी आई शैडो हमने ना कमी लगाया क्योंकि हमारे सर ने बोला था मतलब लगाया ही नहीं है क्योंकि एक सर ने बोला था लगाना ही नहीं है तो मैं ज़्यादा ग्लिटरी ग्लिटरी आई शैडो कुछ तो गाइस जी मेरा भी आना ना खराब हो गया था सो गाइस हम तैयार हो चुके हैं पर अभी मुझे अपने बाल फिर से थोड़ा सा ऐसे करके बनाने क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही चंपू टाइप हो गया अब मैं पूरा तैयार हो गई हूँ बस मुझे चुन्नी डालनी है फिर हम यहाँ से निकलते हैं बस टाइम भी हो गया अब तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अब सीधे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है वहाँ पर जाएंगे हम तो वहाँ पर मिलते हैं मैं मैम को दिखा देती हूँ मैम आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो सो अभी हम क्या कहते हैं कॉलेज पहुँच गए हैं यहाँ पर सब खाने पीने की तैयारी चलती है मैं तैयार होकर आ गई मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर कैसे हो रहा है ये देखिए अभी मैम और मैं पीछे के रास्ते जा रहे हैं और हमको पीछे का रास्ता पता भी नहीं यहाँ पर तो पूरा जा रहे हैं मैम पता चल गया आपको हमको पीछे का रास्ता भी नहीं पता है पर हम फिर भी जा रहे हैं पीछे के रास्ते इस रूम में ये लोग अंदर तैयार हो रहे हैं और हम पीछे के रास्ते जा रहे हैं और हमें पीछे का रास्ता पता चल गया है पड़ा, 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 पड़ा। खोलो सब तैयार हो गए सब तैयार हो रहे हैं तो मैं बैक स्टेज में आ चुकी हूँ और यहाँ पर ये हमारा स्टेज रेडी है पूरा मैं दिखाती हूँ वैसे ऑडियंस बहुत कम है बस इतनी सी है सो ये बैक स्टेज चल रहा है ये रेडी हो चुके हैं ओए हाय सब लोग
बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दीदी मुझे इशारा करिए, पीछे गुरु जी है। और ये देखिए आप कितने सुंदर चुन। सो अभी यहाँ पर मैं कहते बड़े वाले कान के ढूंढ रही थी, वो पर वो मुझे मिल ही रहे हैं, शायद वो मैम के घर में ही छूट गए हैं, पता नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं इसको ही पहन के करती हूँ। अभी पूरा घुंघरू वगैरह बांध लिया हमने। ये क्या चल रहा है, ये मेरे माथे पे चल रहा है ये? अच्छा वहाँ पर चल रहा था, मैं डर गई। सो व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है, कैसा लग बिल्कुल उदास नहीं होना, हम अच्छे से कर देंगे, भूल भी गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि 4 दिन की हमारी प्रैक्टिस थी और हमने बस जैसे तैसे कर दिया है। तो अभी हमारा आधा तो हो गया है, बस आधा बचा हुआ है, दो पार्ट, बस दो पार्ट और बचे हुए बस। अभी ये बच्चों का हो रहा है जो बहुत ही स्माइल करके कर रहे हैं, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। क्योंकि जब जड़ें ही नहीं रहेंगी तो आगे क्या बढ़ोगे। शास्त्रीय संगीत हमारी जड़ें हैं और इसको रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन सबको तो ये पता होगा, क्योंकि बहुत सारे कथक के स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल से जानते ही होंगे कि आपका ये सौभाग्य है और हमारा तो है ही कि हम आपको भी और टीचर्स के भी और इतने अच्छे दिन हम आपकी परफॉर्मेंस देख पाए। लेकिन उससे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमने उनके द्वारा सीखा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं। कथक में लखनऊ से बड़ी हुई हूँ तो मुझे मालूम है कि कथक करना तो आप बैठी हैं, इतना किया है कथक, लेकिन आप ही बताओ वो जो भंगिमाएं होती हैं, जिस तरह से उद्यान का वर्णन हो रहा था। सो अब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है, फोटो सेशन हो रहा है सबका, फोटो सेशन खत्म हो गया है, अब हम खाने को जा रहे हैं, खाना खाने। बस बहुत बुरी लग रही है। सो गाइस यहाँ पर अब हो रहा है हमारा खाना पीना। खाने में मैंने सैंडविच वगैरह लिया है, ढोकला खत्म हो गया, आ रहे ठीक है। और यहाँ पर है रसगुल्ला, यहाँ पर हमने सैंडविच, और यहाँ पर हो रहा है हमारा खाना पीना। हेलो भैया, ये देखिए सोचा था रील्स बनाएंगे, बट रील्स की ऐसी की तैसी हो गई है, कॉफी गर्म हो रही है। और ये हमारे सर है, सर ही मेरे फ्रॉम डालते हूँ यूट्यूब में। और दिव्या क्या हाल चाल, कॉफी पी जा रही है, ये इसका 5वां ग्लास है। ये ओवर एक्टिंग आ गई, दोनों ओवर एक्टिंग आई, पूरे ब्लॉग में तुम ही दिख रहे हो। सुनो तो हम अनुष्का दीदी ने ना गाइस, मतलब जितने भी बच्चों ने फोटो, मतलब जितने भी नहीं, 2-3 बच्चों के साथ तो फोटो खिंचाई थी अपने साथ। यस यस, तुम बहुत नाइस आप, उनको अकेले नहीं खींचा। चलो बाय गाइस।
बहुत मजा आया तुम लोगों के संग साथ में प्रोग्राम करते करके बहुत मजा आया। सो बाय बाय दी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं आज मेरा व्लॉग खत्म करते टाइम कितने सारे लोग हैं। सो गाइज आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ क्योंकि अब चेंज वेंज करना तो फिर क्या ही दिखाना वो चीज। सो मैं आज का व्लॉग यही खत्म करती हूँ, तुम लोग कुछ बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो। गाइज बाय, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी गाइज। आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, आई होप आप सबको पसंद आया हो। सो तब तक के लिए आपको करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब और देना है बहुत ढेर सारा प्यार प्यार, राइट। सो टाटा बाय बाय बाय।